हेलो गाइस माई सेल्स अब एंड करंट यू आर वॉचिंग द सीरीज फैशन डिजाइनिंग विद मी इट्स अ डे टू और यू कैन से इट्स अ पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैवन सीन द पार्ट वन सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आल्सो इन आई बटन सो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं गाइज मैं इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाने वाली हूँ आपको ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो तो गाइज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वट इज़ एन आई एफ टी मीन्स ऑल वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म वट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वट इज सी ए टी वट इज जी ए टी वट इज़ चू Test means all about the application form or entrance exam of NIFT. So, let's get started. गाइज वट इज एन आई एफ टी एन आई एफ टी का परफॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गाइज ये एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि हमारे इंडिया में है जिसमें से मैंने आपको सारे 16 के लिस्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा क्लियर कर दिया है जिसमें से टॉप रेटेड कैंपसेज है हमारे न्यू दिल्ली में बैंगलोर भुवनेश्वर भोपाल एंड श्रीनगर में तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिलते हैं गाइज एन आई एफ टी आपको ऑफर करती है फोर ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स और टू ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और गाइज के साथ कुछ प्रोग्राम्स पे आपको ऑफर करती है तो आप उसको उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं उसके वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट एन आई एफ टी डॉट ए सी डॉट इन तो गाइज़ आप इसकी वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल निकाल सकते हैं जिस कैंडिडेट को यूजी कोर्सेज करने होते हैं फॉर एग्जाम्पल बैचलर इन डिज़ाइंस एंड मास्टर इन डिज़ाइंस तो उसको सी ए टी और जी ए टी का एग्जाम्स देना होता है जो कि रिटर्न में होता है और गाइज जिस कैंडिडेट को बी एफ टैक और एम एफ टैक करना होता है मतलब बैचलर इन फ़ैशन टेक्नोलॉजी और मास्टर इन फ़ैशन टेक्नोलॉजी उनको जी टेस्ट देना होता है उसके बाद उनका एक इंटरव्यू टेस्ट भी होता है तो गाइज़ ये है कुछ क्राइटेरिया आपके यू एंड पी कोर्सेज के लिए बट गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर इन डिज़ाइन के बारे में जो कि एक यू जी कोर्सेज है आप उसके एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो वो सब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब तो भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो गाइज जो एन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी है अगर आप अंडर ट्वेंटी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है ऑल्सो अगर आप एस टी और ओ से बिलोंग करते हैं तो आपको फाइव ईयर्स और मिलते हैं एक्स्ट्रा मतलब तो अगर आप अंडर ट्वेंटी एट भी हैं और आप एस टी एस सी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपना करियर स्विच करने की सोच रहे हैं मतलब ये कि आप आफ्टर ट्वेल्थ भी इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अगर बी कॉम वगैरह कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी अपना करियर स्विच कर सकते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ट्वेंटी थ्री होने चाहिए जब आप सोचते होंगे कि हमने तो आर्ट्स ली नहीं है हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं और हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो गाइज ये सब इसमें कुछ माने नहीं रखता बस अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फैशन डिपार्टमेंट मिलेगा बाकी अगर आप कॉमर्स और आर्ट के स्टूडेंट हैं तो इसको छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा बस साइंस स्टूडेंट के लिए एक ही चीज़ प्रॉफिटेबल है जो कि है फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आपको वो डिपार्टमेंट छोड़ के सब कुछ मिलने वाला है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं ऑल्सो आपको इसमें ट्वेल्थ के मार्क्स अच्छे नहीं आए या टेंथ के मार्क्स अच्छे नहीं आए ये सब उसमें मायने रखता ही नहीं है ये सब आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे जज करते हैं कि हाउ गुड यू गिवन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम और दो एग्ज़ाम देने के बाद ही आप थर्ड एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इफॉर्मेशन है आपको इसके वेबसाइट पर मिल जाएगी वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बताया था जो कि है www.nift.ac.in इसके वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी इफॉर्मेशन मिल जाएगी एज यू नो अगर आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम अकेडमिक ईयर चेंज हो जाए तो आपको उससे रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट से ही मिल सकती है बट गाइज इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो डेट है वो अक्टूबर के एंड में आती है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म वो दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक तक में फिल कर देना है

कार्ड यूर रेडी टू सिट इन योर एंट्रेंस एग्जाम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन टाइम लाइन सो गायज़ ये इसमें जो तो आपके दो एग्जाम्स होते हैं जो कि हेल्ड होते हैं एंड ऑफ फेबररी और स्टार्टिंग ऑफ जनवरी इसमें जो एग्जाम्स होते हैं तीन एग्जाम्स वो दो दो आज के होते हैं और करंट अपडेट के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जामिनेशन पैटर्न सो गायज़ जो एग्ज़ामिशन पैटर्न है हमारा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि तीन एग्जाम्स होते हैं तो पहला होता है हमारा जी ए टी देन होता है सी ए टी देन होता है है हमारा सिचुएशन टेस्ट गाइस अगर आप गेट एंड सीएटी में पास कर जाएंगे तभी आप सिचुएशन टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं अब ये सीएटी और गेट क्या होता है ये बिल्ली वाला सीएटी कैट नहीं है गाइस यहां पे सीएटी का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट एंड गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट गाइज जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो थर्टी परसेंट मार्क्स कैरी करता है और जो सी ए टी है वो फिफ्टी परसेंट कैरी करता है एंड जो लास्ट हमारा सिचुएशन टेस्ट है वो ट्वेंटी परसेंट कैरी करता है सो so, गाइज़ इन सब की डिटेल में आपको एक एक सिंगल सिंगल वीडियोज़ मिल जाएंगी सीरीज़ में आप उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो गाइज आई वॉन्ट टेल यू कि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें चार चीज़ें पूछी जाती हैं एक होता है मैथ्स देन इंग्लिश देन लॉजिकल रीजनिंग एंड योर लास्ट इज जी के तो गाइज चार चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें कौन सी बुक परचेज करनी है और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं वो सब आपको इस सीरीज में डे बाय डे करके मिल जाएंगे तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं फिर मूँगी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें अपने फैमिली का ध्यान रखें